आइए गंगा का जो है तीसरा जो है देखते हैं। इसके पहले कल हम पढ़ा चुके हैं, देखिए द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, स्पेशली माना था विशेष रूप से। बीलव्ड ऑफ हर पीपुल, अपने लोगों की बीलव्ड माने प्रिय है। राउंड विच माने होता है जिसके चारों ओर आर इंटरविंड माने गुथी हुई है, क्या क्या गुथी हुई है, हर रेसियल मेमोरीज उसकी जातिगत यादें, जिसकी चारों ओर उसकी जातिगत यादें गुथी हैं, रेसियल माने जातिगत या जाति। हर होप्स एंड फियर्स उसके आशाएं और भय हैं, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ उसके विजय के गीत हैं, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स उसकी विजय और पराजय। तो हो जाएगा जिसकी चारों ओर उसकी जातिगत यादें, उसकी आशाएं और भय, उसके विजय के गीत और उसके विजय और पराजय गुथी हुई हैं। सी हैज बीन माने वह रही है, ए सिंबल एक प्रतीक ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग, भारत की एज लॉन्ग माने दीर्घकालीन, कल्चर माने संस्कृत, सिविलाइजेशन माने सभ्यता। तो हो जाएगा बस भारत की दीर्घकालीन संस्कृत और सभ्यता का एक प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग हमेशा बदलती रही है, एवर फ्लोइंग हमेशा बहती रही है, एंड एट एवर द सेम गंगा, और फिर भी इट मीन्स फिर भी एवर हमेशा द सेम गंगा, गंगा एक जैसी ही रही है। सी रिमाइंड्स मी वह मुझे याद दिलाती है ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स बर्फ से ढकी चोटियों की एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज और हिमालय की गहरी घाटियों की। तो जगह वह मुझे बर्फ से ढकी चोटियों और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड जिसे मैंने प्रेम किया है, सो मच माने बहुत अधिक, जिसे मैंने बहुत अधिक प्रेम किया है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, एंड ऑफ द रिच माने समृद्ध, वास्ट प्लेन्स माने विशाल मैदानों, बिलो माने निचले, और विशाल और समृद्ध निचले मैदानों की भी याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ जहाँ पर मेरा जीवन एंड वर्क और कार्य हैव बीन कास्ट माने ढाला गया है, कास्ट माने यहाँ ढालना होगा, क्लियर, जाति वाले में CASTE रहता है, क्लियर, ये ढालना वाला है। स्माइलिंग एंड डांसिंग चौथा है, मुस्कुराते हुए और नाचते हुए, इन द मॉर्निंग सनलाइट सुबह सूर्य के प्रकाश में, कह रहा है सुबह सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराते हुए और नाचते हुए, मतलब गंगा कब कैसे दिखाई पड़ती है वो बता रहे हैं, गंगा सुबह के समय सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराते हुए और नाचते हुए दिखाई पड़ती है, मतलब किरणें जो है जब पड़ती हैं तो थोड़ा सा टिमटिमाती हैं तो उसी को डांसिंग आ गया। एंड डार्क एंड ग्लूमी, और डार्क माने अंधकार, ग्लूमी माने उदासी, और अंधकार और उदासी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से भरे हुए, एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जब एज मीन जब या जैसे इवनिंग सायंकाल की शैडो माने परछाइयाँ फाल माने गिरती हैं, अब जब सायंकाल की परछाइयाँ गिरती हैं तो गंगा जो है अंधकार और उदासी और रहस्य से भरी हुई दिखाई पड़ती है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं सायंकाल के आने पर गंगा अंधकार और उदासी और रहस्य से भरी हुई दिखाई पड़ती है। कह रहे हैं आगे, ठीक है, ए नैरो स्लो एक संकुचित स्लो माने धीमी एंड ग्रेसफुल और शोभायुक्त स्ट्रीम जलधारा इन विंटर जाड़े में, और जाड़े में कह रहे हैं कि एक संकुचित धीमी और ग्रेस और शोभायुक्त जलधारा के रूप में दिखाई पड़ती है। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग और एक विशाल गर्जना करने वाली वस्तु के रूप में दिखाई पड़ती है, रोरिंग गर्जना करने वाली थिंग माने वस्तु, ड्यूरिंग द मानसून मानसून के दौरान, और मानसून के दौरान एक विशाल गर्जना करने वाली वस्तु के रूप में दिखाई पड़ती है। ब्रॉड बोजम चौड़े बोजन माने वक्षस्थल वाली छाती वाली चौड़े वक्षस्थल वाली ऑलमोस्ट माने बिल्कुल एज द सी समुद्र के जैसी एंड विथ समथिंग और अपने साथ में कुछ सीज पावर समुद्र की शक्ति टू डिस्ट्रॉय माने नष्ट करने वाले सीज पावर टू डिस्ट्रॉय माने समुद्र की विनाशक शक्ति और अपने साथ में ठीक है कुछ समुद्र की विनाशक शक्ति रखने वाली गंगा हैज बीन टू मी गंगा मेरे लिए रही है ए सिंबल एक प्रतीक एंड मेमोरी और स्मृति ऑफ द पास्ट अतीत की ऑफ इंडिया भारत के तो गंगा मेरे लिए भारत के अतीत की एक प्रतीक और स्मृति रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट जो वर्तमान में रनिंग माने बहना जिसमें दौड़ना नहीं बहना जिसका जल वर्तमान में बह रहा होता है एंड फ्लोइंग और बहते हुए टू द ग्रेट ओशन विशाल समुद्र में चला जाता है ग्रेट मीन्स महान या विशाल ऑफ द फ्यूचर माने भविष्य के और भविष्य के समय में विशाल समुद्र में चला जाता है क्लियर गंगा का पानी बह रहा होता बहते बहते कहाँ चला जाता है भविष्य में विशाल समुद्र में चला जाता है। चलिए पांचवा और ठीक है और आखिरी पैराग्राफ देखते हैं एंड दो और यद्यप आई हैव डिस्कार्डेड मैंने छोड़ दिया है मच माने अधिक ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन माने अतीत की परंपरा को एंड कस्टम माने रीति रिवाज को यद्यप मैं अतीत की परंपरा और रीति रिवाज को अधिक मात्रा में क्या किया हूँ छोड़ दिया हूँ या त्याग दिया हूँ एंड एन एनेक्सियस दैट और एक ही चिंता है कि इंडिया शुड रीड हरसेल्फ भारत स्वयं को रीड माने छुड़ा ले ऑफ ऑल सेकल्स उन सभी बंधनों से दैट बाइंड जो बांधती हैं एंड कॉन्स्टेन हर और उसे कॉन्स्टेन माने नियंत्रित करती हैं
एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों में बांटती हूँ। क्लियर? तो कह रहे हैं कि यद्यपि मैं, ठीक है, अतीत की परंपरा, ठीक है, और रीति रिवाज को अधिक मात्रा में त्याग दिया हूँ, और एक ही चिंता है कि भारत स्वयं को उन सभी बेड़ियों से या बंधनों से, सेकल्स में बेड़िया या बंधन या जंजीर से क्या करे, छुड़ा ले, दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेंट हर, जो उसे बांधती है और कॉन्स्टेंट माने नियंत्रित करती हैं, एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को डिवाइड माने बांटती हैं या विभाजित करती हैं, एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और विशाल संख्या में उनका सप्रेस मीन्स दमन करती हैं, एंड प्रिवेंट, और रोकती हैं द फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास को, ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, शरीर और आत्मा, तो जगह और शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। दो आई सीक, यद्यपि मैं खोजता हूँ, ऑल दिस, यह सभी, यद्यपि मैं यह सभी खोजता हूँ, एट, फिर भी, आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता हूँ, टू कट माई सेल्फ ऑफ, कट ऑफ माने अलग करना, स्वयं को अलग करना, फ्रॉम दैट पास्ट, उस अतीत से कम्प्लीटली माने पूरी तरह से, फिर भी मैं स्वयं को उस अतीत से पूरी तरह से अलग नहीं करना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे उस महान विरासत पर क्या है, गर्व है, दैट हैज बीन, जो रही है, एंड इज आवर्स, और हमारी है, जो हमारी रही है और है, एंड आई एम अनकॉन्शियस दैट, आई एम कॉन्शियस माने मुझे एहसास है कि किताब मिस कर दी है, क्लियर, और मुझे एहसास है कि आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, सभी की तरह, आई एम ए लाइक ऑल ऑफ अस, मतलब जैसा कि हम सभी हैं तो उसी तरह से मैं भी, आई एम ए लिंक, एक लिंक में से, तो कड़ी, एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चेन माने अटूट जंजीर में से, तो मुझे एहसास है कि मैं भी सभी की तरह उस अटूट जंजीर में से क्या हूँ, एक कड़ी हूँ। जंजीर यहाँ कौन है, देश है, और नागरिक उसकी क्या है, कड़ी, तो राष्ट्र के नागरिक एक लेखक भी है, क्लियर, वही बात बता रहे हैं। विच गोज बैक, जो वापस ले जाती है, टू द डान माने प्रारंभ की तरफ, डान में से यहाँ प्रातःकाल भी होता है, प्रारंभ भी होता है, हिस्ट्री माने इतिहास, इतिहास के प्रारंभ की तरफ वापस ले जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अति प्राचीन अतीत, इमेमोरियल माने अति प्राचीन होता है, अविस्मरणीय होता है, दो अर्थ होता है, क्लियर, जो भारत के अविस्मरणीय अतीत की तरफ, अतीत के इतिहास के प्रारंभ की तरफ वापस ले जाती है। करें दैट चेन, उस जंजीर को, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा उस जंजीर को, मैं नहीं तोड़ूंगा, फार माने क्योंकि, आई ट्रीजर इट, ट्रीजर मीन्स होता बहुमूल्य समझना, क्योंकि मैं इसे बहुमूल्य समझता हूँ, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा खोजता हूँ, क्या खोजता हूँ, प्रेरणा, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, और मेरी इस इच्छा के साक्षी के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज, ठीक है, कल्चरल इनहेरिटेंस, और भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज, कि मेरी मुट्ठी भर राख बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के गंगा में क्या किया जाए, फेंक दिया जाए, टू बी कैरीड, जिससे कि वह कैरीड माने ले जाया जाए, यानी चली जाए, जिससे कि वह चली जाए टू द ग्रेट ओशियन, महान समुद्र में, या विशाल समुद्र में, जिससे कि वह विशाल समुद्र में चली जाए, दैट वाशेज, जो धोता है इंडिया सोर्ज, माने भारत के समुद्री तट को, सोर्ज माने होता है समुद्री तट या किनारा, जो भारत के समुद्री तट को धोता है, द मेजर पोर्सन ऑफ माई एसेज, मेरी राख का मेजर पोर्सन माने बड़ा भाग, शुड हाउएवर, फिर भी, शुड बी डिस्पोज ऑफ, निपटाया जाए, अदरवाइज ऑफ द अदरवाइज माने दूसरे ढंग से, करें कि फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी राख का अधिकांश भाग दूसरे ढंग से निपटाया जाए, कैसे निपटाया जाए, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ दीज इन्हें टू बी कैरीड, ले जाया जाए हाई अप, ऊंचाई पर, इन टू द एयर, एक वायु हवा में, एयर मीन्स हवा, इन एन एरोप्लेन, एक वायुयान में, तो मैं चाहता हूँ इन्हें एक वायुयान में हवा में ऊंचाई पर ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उसी ऊंचाई से क्या किया जाए, स्कैटर्ड, बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स, उन खेतों के ऊपर, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पर भारत के किसान टॉयल मीन्स कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल, वे मिल सकें विद द डस्ट एंड सॉयल, धूल और मिट्टी से ऑफ इंडिया, भारत के, ताकि वे भारत की धूल और मिट्टी से मिल जाए, एंड वी कम, और हो जाए, एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक अभिन्न अंग, इनडिस्टिंग्विशेबल माने अभिन्न, और भारत का एक अभिन्न अंग हो जाए। लास्ट लाइन है, आई हैव रिटन दिस विल, विल मीन्स वसीयतनामा, टेस्टामेंट माने होता है इच्छा पत्र, मैंने यह वसीयतनामा और इच्छा पत्र लिखा है, मतलब एक ही चीज़ है, वसीयतनामा कहो या इच्छा पत्र, एक ही चीज़ है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन 21st डे माने 21 ऑफ जून, 21st डे ऑफ जून माने 21 जून को, इन द ईयर, और साल क्या था,
1954 यानी 1954। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा मैंने यह वसीयतनामा नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा था। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, ठीक है, और कंप्रेंशन छांट के आप लोग लाएंगे उसको भी मिलाया जाएगा, पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसलिए चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, घंटी दबा के उसको नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि समय से मिल जाए सबसे पहले आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।